मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो बेबी गर्ल है, फर्स्ट मेरी बेबी गर्ल है, उस टाइम जो मेरी लाइन थी वो काफी डार्क बनी हुई थी लेकिन टेढ़ी हो गई थी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। क्या आपके पेट पर भी किसी भी तरीके की लाइन बनी है, जैसे कि डार्क, एकदम सीधी या हल्की या टेढ़ी या भूरी टाइप की, कैसी भी आपके पेट पर लाइन बनी है? तो कैसी लाइन बनी है आपके पेट पर, एक बार कमेंट्स में मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आप कमेंट्स करोगे इस वीडियो में, जो भी पूछोगे उस सब का आपको रिप्लाई मिलेगा। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी में पेट पर आपके लाइन बनती है वो क्यों बनना जरूरी है, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जैसे आपको पता है मेरे भी एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय है, तो दोनों के टाइम का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, चलिए फिर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो ये लाइन बनती है आपके पेट पर वो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि सातवें महीने से नजर आ सकती है। किसी को थोड़ा पहले ये लाइन बन सकती है, लेकिन मोस्टली महिलाओं को सातवें महीने से ये लाइन नजर आने लग जाती है। अब आप में से कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनकी जो ये लाइन है पेट पर वो होगी नहीं। अब कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पेट पर जो ये लाइन है वो बहुत ज्यादा डार्क, एकदम काली नजर आ रही है और वो लाइन सीधी है। लेकिन कुछ महिलाएं जो होंगी उनकी लाइन टेढ़ी होगी, डार्क होगी लेकिन टेढ़ी होगी। तो आखिर ये किस तरफ इंडिकेट करता है, कि किसका इशारा है, ये क्यों बनती है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उस टाइम काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने से आपकी बॉडी में जो मेलानिन होता है, एक तरीके का ये भी हार्मोन ही होता है, तो ये जो मेलानिन है वो आपकी बॉडी में अगर ज्यादा बनना स्टार्ट हो गया है तो आपके पेट पर जो ये लाइन है वो तो काली होगी ही, साथ में जो आपके एरिया होते हैं ना थोड़े डार्क वाले, ये नेक एरिया हो गया, आपकी नी एरिया हो गया, आपके अंडर आर्म्स एरिया हो गया, आपके ब्रेस्ट एरिया का निप्पल एरिया हो गया, ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है क्योंकि आपके शरीर में मेलानिन ज्यादा बन रहा है। तो ज्यादा बनने से जो थोड़े डार्कर एरिया है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, और इसीलिए ये जो लाइन है आपके पेट पर वो काफी डार्क नजर आ रही है। अब ये टेढ़ी सीधी हो सकती है, अब जिन महिलाओं की लाइन दिखाई नहीं दे रही है या फिर बहुत ज्यादा हल्की बनी है, तो क्या मतलब है? उसका भी सीधा साधा मतलब है कि आपके शरीर में मेलानिन कम बन रहा है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस अलग अलग होते हैं, किसी में ज्यादा देखे जाते हैं, किसी में कम देखे जाते हैं। तो इस वजह से आपके शरीर में जो मेलानिन है वो कम बन रहा है, और इसी वजह से जो आपके स्किन एरिया है जो डार्क है ऑलरेडी, उनमें भी ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, और जो आपके पेट पर लाइन है वो भी काफी हल्की और ऐसी बनेगी कि दिखाई नहीं देगी। तो केवल और केवल इस लाइन के बनने का यही रीजन होता है। अब इसको जैसे कि जेंडर से जोड़ा जाता है, तो फ्रेंड जैसे मैंने रीजन बता दिया, इसको बेबी गर्ल और बेबी बॉय से जोड़ा जाता है, तो इसके पीछे कोई भी, पहली बात तो साइंटिफिक रीजन नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, और ना ही इसके पीछे कोई भी रिसर्च है जिससे ये साबित हो सके। अब जो ये लड़का लड़की का अंदाजा लगाया जाता है वो केवल एक अंदाजे के तौर पर ही, लोगों का देख के ही अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कि किसी की अगर सीधी लाइन थी, काली थी, उसको अगर लड़का हो गया तो बस वही मिथ फैल गया कि लड़का होता है, लड़का होता है। और किसी की अगर हल्की लाइन थी, टेढ़ी थी, उसको अगर लड़की हो गई तो बस वही फैल गया कि लड़की। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को देखकर, बॉडी के स्ट्रक्चर को, महिला की पेट को, कोई भी चीज देखकर हम लड़का लड़की का अंदाजा सटीक नहीं लगा सकते। ये केवल और केवल तुक्का टाइप ही चलता है, यानी कि मतलब लग गया तो लग गया, नहीं तो जरूरी नहीं है सच हो सब पे। मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो बेबी गर्ल है, फर्स्ट मेरी बेबी गर्ल है, उस टाइम जो मेरी लाइन थी वो काफी डार्क बनी हुई थी लेकिन टेढ़ी हो गई थी, नाभि तक आते आते टेढ़ी हो गई थी मेरी। नेक्स्ट जब मुझे बेबी बॉय हुआ तो मेरी लाइन काफी हल्की थी, नजर आती थी, ज्यादा हल्की नहीं, मतलब हल्की थी लेकिन भूरी टाइप की थी, लेकिन शुरुआत से ही लाइन एकदम टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि जो लाइन बनती है वो प्राइवेट पार्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन मेरी स्टार्ट होते ही टेढ़ी हो गई थी लाइन। गाइस फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें आपके पेट पर कैसी लाइन है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, थैंक्स फॉर वॉचिंग।